चार फ्रेंड जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, तभी अचानक से बारिश होने लगती है और सभी अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक फ्रेंड रमन बाहर आता है और जंगल में घूमने चला जाता है। उसे सामने तीन रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता उसे इंटरेस्टिंग लगता है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बारिश के वजह से फुटप्रिंट्स आ गए हैं। ए में किसी बड़े जानवर के फुटप्रिंट्स है, यहाँ जाना रिस्की हो सकता है। बी तो खाली रास्ता दिख रहा है, लेकिन सी में इंसानों के फुटप्रिंट्स है और वो भी एकदम छोटे छोटे। इसके बारे में जानने के लिए वो रास्ता सी लेता है और जंगल में आगे चला जाता है। उसे आगे जंगल में छोटे छोटे बहुत सारे घर दिखते हैं। वो इतने छोटे छोटे घर देख के शॉक हो जाता है। वो एक घर के सामने जाता है। दरवाजा एकदम छोटा सा रहता है और लॉक्ड रहता है। वो दरवाजे को देख के उसको खोलने का कोड सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस दरवाजे को देख के इसका कोड बता सकते हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ह्यूमन के दो लेग्स होते हैं, टाइगर के 4 और मॉस्किटो के 6। मतलब ये नंबर ऑफ लेग्स का काउंट है। तो पिक के 4 लेग्स होते हैं। रमन कोड 4 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है और उसमें से एक छोटा सा आदमी बाहर निकलता है। वो रोहन को देख के डर जाता है और अंदर जाता है और एक बेल बजाता है। जोरदार आवाज होती है और बहुत सारे छोटे लोग बाहर आ जाते हैं। वो बड़ी बड़ी रस्सी निकालते हैं और रोहन को बांध देते हैं। रोहन उनको छोड़ने के लिए कहता है तो उनमें से एक रोहन से एक पहेली पूछता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं होती है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? इसका जवाब है मिल्क। दूध के फटने पे आवाज नहीं होती है। रमन इसका आंसर नहीं दे पाता तो छोटे लोग रमन पे स्टोन फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी रमन की नींद खुल जाती है। रमन ने सपना देखा था। वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत सुंदर सा चांद दिखता है। चांद देख के रोहन एकदम घबरा जाता है। ऐसा क्यों? लॉजिकल आर्मी, चांद देख के रोहन क्यों घबरा गया, क्या आप सोच सकते हैं? रमन इसलिए घबरा जाता है क्योंकि वो टेंट में सोया था और वो टेंट गायब हो गया है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, डायरेक्टली चांद दिख रहा है। मतलब जरूर जंगल में कोई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन, मैंने कॉइन DCX गो ऐप से 10 रुपए के क्रिप्टो करेंसी लिए थे जो डेली डबल हो रहे थे, तो मुझे बता 5 दिन में मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? 10 रुपए अगर डेली डबल हो रहे थे तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे? डेली डबल हो रहे थे तो डे 1 पे 20 रुपए, डे 2 पे 40 रुपए, डे 3 पे 80 रुपए, डे 4 पे 160 और डे 5 पे 320 रुपीज। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही रिटर्न्स देता है। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इंडिया में लीगल भी है। और कॉइन DCX गो इंडिया का लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। यहाँ पे 0 ट्रांजेक्शन फी है और आप नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली पैसा ऐड कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और KYC भी बड़ा आसान सा है। कॉइन DCX गो में आपका पैसा एकदम सेफ है और इंश्योर्ड भी है बिटगो से। प्लस आपको 24/7 का सपोर्ट भी मिलता है और ये ISO सर्टिफाइड है। सारे कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। इनका DCX लर्न प्लेटफॉर्म भी है जहां आपको क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में सब कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा। आपको मिनिमम 100 रुपीज डिपॉजिट करना है और कॉइन DCX गो के थ्रू आप बस 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो फिर क्या सोच रहे हो? जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दी है, क्लिक करो और कॉइन DCX गो ऐप डाउनलोड करो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल और रेखा खेल रहे थे, तभी राहुल कहता है, चल बहना तेरी इंटेलिजेंस देखता हूँ। सामने 3 फ्रिज रखे हुए हैं। अब उनमें से एक फ्रिज 1 दिन से बंद पड़ा है। देख और मुझे बता कौन सा फ्रिज बंद पड़ा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा फ्रिज बंद पड़ा है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए फ्रिज के नीचे देखिए, पानी बह रहा है। मतलब ये फ्रिज 1 दिन से बंद है। बंद होने की वजह से इसका आइस पिघलने लगा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 25 दिसंबर का दिन था और बड़ी ठंड पड़ रही थी। रोहित घूमने के लिए मामा के घर जाता है। रात को रोहित के मामा रोहित से कहते हैं कि गली के कॉर्नर पे बहुत ही फेमस कॉफी की शॉप है,
वहां से दो कॉफी लेके आ जाओ। रोहित गली के कॉर्नर पे पहुंच जाता है तो उसे वहां चार कॉफी की शॉप्स दिखती है। अब रोहित कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी शॉप से मामा ने कॉफी लाने बोला था। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी शॉप है जो फेमस है, ए बी सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अब चारों कॉफी शॉप्स को ध्यान से देखिए। पहली, दूसरी और तीसरी में दो तीन कस्टमर्स ही है। अब फेमस शॉप में इतने कम कस्टमर्स तो रहेंगे नहीं। चौथी शॉप में देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, यही वो फेमस शॉप होगी। रोहित वहां जाता है और सही कॉफी लेके आ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पांच बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं कि सबसे समझदार कौन है। तभी टीचर आती है और कहती है, जो मेरे सभी सवालों का जवाब देगा वो सबसे समझदार। बताओ, अगर इंडिया से स्कॉटलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, इंडिया से आयरलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है और इंडिया से इंग्लैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो इंडिया से नागालैंड की दूरी कितनी होगी? सब सोच में पड़ जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन बच्चों से समझदार है? तो मुझे आपका आंसर कमेंट में बताओ, इंडिया से नागालैंड की दूरी कितनी है? अरे ये तो बड़ा सिंपल था, जीरो। नागालैंड इंडिया में ही तो है तो डिस्टेंस 0 किलोमीटर होगा। तो क्या आप थे इन पांचों बच्चों से समझदार? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन अपने आप को बहुत चालाक समझता है। कोविड की वजह से ट्रेन खाली चल रही थी तो उसने सोचा क्यों ना बिना टिकट के ट्रैवल कर लिया जाए। उसने टिकट लिया ही नहीं और राजधानी ट्रेन में बैठ गया। फुल एसी में पूरी जर्नी करके आगरा पहुंच गया। लेकिन बाहर निकलते टाइम टीटी ने उसे पकड़ लिया। रोहन बोला, सर टिकट तो ली थी लेकिन ट्रेन इतनी फास्ट थी कि खिड़की से टिकट बाहर उड़ गई। टीटी उसे ऊपर से नीचे पूरा देखता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? टीटी को ऐसा क्यों लगा? क्या आप सोच सकते हैं? रोहन राजधानी ट्रेन में था, एसी ट्रेन में था। एसी ट्रेन की खिड़कियां तो बंद होती है तो टिकट खिड़की से बाहर कैसे उड़ सकती है? वही रोहन की चोरी पकड़ी जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये छह बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन दो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं? ए बी सी डी ई एफ में से? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी और ई चीटिंग कर रहे हैं। ई का देखिए एक पेपर मिसिंग है और ये एक पेपर वो बी को पास कर रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।